please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं लोगों के मकान पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं खेत खलिहान बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। न केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 31 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और दक्षिण भारत के साथ अब उत्तर भारत में भी लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई जगह NDRF को भी रेस्क्यू में लगाया गया है। नवी मुंबई के तलोजा में एक परिवार भी भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात में काफी देर तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। इस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। पानी के तेज बहाव में फंसी जान। जिंदगी और मौत के बीच रस्सी का फासला। हादसा ऐसा कि सांस रुक जाए। नवी मुंबई के पास तलोजा में एक पुल से बेकाबू होकर एक कार पानी में गिरी और तेज बहाव में जाकर फंस गई। कार में एक ही परिवार के चार लोग सवार थे, जो किसी तरह कार के अंदर से निकलकर जान बचाने के लिए उसकी छत पर आ गए। लेकिन पानी का सैलाब ऐसा कि उसे पार करने की हिम्मत तो दूर, कार की छत पर बैठे लोगों की जान तक सूख गई। हादसे के वक्त वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर पानी में फंसे चार लोगों पर पड़ी। पानी के तेज बहाव में फंसे चार लोगों में एक आदमी, एक महिला, एक लड़की और एक बच्ची शामिल थी। बिना देर किए उन्होंने एक रस्सी कार तक पहुंचाई और उसे कार के दरवाजे से बांध दिया गया। सबसे पहले कार में फंसी लड़की को बचाने की कोशिश की गई। कार की छत से लड़की नीचे उतरी और दो लोगों ने उसे सावधानी से पकड़ लिया। फिर रस्सी के सहारे कुछ ही देर में उस लड़की को बचा लिया गया। लेकिन अब पानी का बहाव तेज हो रहा था और जलस्तर भी बढ़ता जा रहा था। जिस पुल से कार नाले में गिरी, वहां खड़े लोगों की सांस अटकी हुई थी। हर कोई दुआ कर रहा था कि किसी तरह बाकी तीन लोगों को भी बचा लिया जाए। लड़की को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाने के बाद वो आदमी फिर से पानी के तेज बहाव के बीच कार तक पहुंचा। कार के पास पहले से मौजूद उसके साथी ने छत से उतारकर अब बच्ची को अपने कंधे पर बिठा लिया। जरा सी चूक मासूम की जान को खतरे में डाल सकती थी, इसीलिए वो लोग बड़ी सावधानी से रस्सी के सहारे उसे लेकर चलने लगे। थोड़ी देर बाद बच्ची को सुरक्षित किनारे पहुंचाने के लिए बचाव कर रहे एक आदमी ने बच्ची को दूसरे आदमी के कंधे से उतार लिया। लेकिन बच्ची को उतारते वक्त उस आदमी के हाथ से रस्सी छूट गई, जिसके कंधे पर बच्ची सवार थी। वो लहरों के साथ बहने लगा, लेकिन यहाँ उसकी तैराकी की कला काम आई और कुछ दूर तक बहने के बाद वो तैर कर किनारे पहुँच गया। एक आदमी और एक महिला अब भी कार की छत पर फंसे थे। महिला घबराई हुई थी और उसे बचाने की चुनौती भी बड़ी थी, इसलिए कुछ लोग तेज बहाव के बीच मजबूती से रस्सी को पकड़ कर खड़े हो गए और एक आदमी कार के पास पहुंचकर महिला को पानी में उतरने की सलाह देने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि पानी के तेज बहाव की वजह से महिला उतरने से डर रही है, तो उसने महिला को ठीक उसी तरह कंधे पर सवार होने को कहा जिस तरह उसने बच्ची को किनारे तक पहुंचाया था। महिला बड़ी सावधानी से उस आदमी के कंधे पर सवार हो गई और दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। पास खड़े एक आदमी ने महिला का हाथ पकड़ा और कुछ ही देर में महिला को भी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया गया। अब बारी पानी में फंसे आखिरी आदमी की थी। महिला को किनारे तक पहुंचाने के बाद बचाव अभियान में जुटे लोग फिर से कार के करीब पहुंचे। कार की छत पर बैठे आदमी ने पहले उन्हें कुछ सामान पकड़ाया और फिर कार की छत से वो भी बड़ी सावधानी से पानी में उतर गया। कुछ ही देर में लोगों ने उस आदमी को भी पानी के तेज बहाव से बचा लिया।
जब तक ये बचाव अभियान चलता रहा तब तक न केवल पानी में फंसे लोगों की बल्कि किनारे खड़े लोगों की सांसें भी अटकी रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि जिस पुल से कार पानी में गिरी उसके किनारे दीवार न होने की वजह से हादसा हुआ। हालांकि इसे बचाव अभियान में जुटे लोगों की सूझबूझ ही कहा जाएगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए चार लोगों की जान बचाई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन के कुछ अधिकारी लाउडस्पीकर की मदद से वहां के लोगों को निर्देश देने लगे। ये अधिकारी केवल 3 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को निकालने वहां पहुंचे थे, लेकिन सड़क पर पानी भरने की वजह से अधिकारियों ने उन्हें ऊंची जगहों पर जाने का निर्देश लाउडस्पीकर से दिया। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आईं। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी लबालब भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखे। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। गुजरात में भी भारी बारिश से 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गिर सोमनाथ समेत कई इलाकों में दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गिर के छनवाल गांव में बचाव दल ने 6 लोगों को रस्सी की मदद से बचाया। तो कहीं जमीन धंसी कहीं जिंदगी फंसी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गिर सोमनाथ की, जहाँ पर कई लोग फंस गए। दरअसल भारी बारिश से 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए। बचाने के लिए उन्हें एनडीआरएफ की टीमों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। अगर हम गिर के अलावा बाकी जगहों की बात करें तो छनवाल गांव में बचाव दल ने 6 लोगों को रस्सी की मदद से बचाया। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कवर्धा में मोटरसाइकिल लेकर नदी पार कर रहे 3 लड़के अचानक तेज धार में बहने लगे। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी उफान पर था, जिससे होकर तीनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेज धार की वजह से पहले उनकी मोटरसाइकिल नदी में बह गई, जिसके बाद संतुलन खोते हुए तीनों लड़के भी पानी में बहने लगे। इस बीच नदी के किनारे पर कई लोग मौजूद थे, उनमें कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। तीनों लड़के काफी देर तक नदी में तैरने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। नदी में लड़कों के डूबने के बाद गोताखोरों ने उनकी तलाश की, लेकिन लड़कों का पता नहीं चल पाया। तो कवर्धा की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दरअसल 3 लड़के नदी में बह गए। ये लोग सड़क पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया। इनको बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये लोग पानी में डूब गए। तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। गुजरात के सूरत में एक इमारत की दीवार बारिश की वजह से कमजोर होकर अचानक गिर गई। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सूरत समेत गुजरात के 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी एक तस्वीर सूरत में दिखी, जहां बारिश की वजह से कमजोर हो चुकी एक इमारत की दीवार गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश की वजह से सूरत के निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें पानी में डूब गईं। सड़क पर पानी भरने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्तों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूरत के महुआ इलाके में बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग ने सूरत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर वलसाड में बीते 9 दिन से जारी बारिश से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दावा किया गया कि वहां करीब 300 लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिनको बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये लोग निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया गया कि औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। वहीं भावनगर में बीते 24 घंटे के दौरान 9 इंच बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुजरात के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से होने वाली तबाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही समंदर में तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई। गुजरात के जूनागढ़ में भी लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सौराष्ट्र में 4थे दिन भी बारिश होने से जूनागढ़ जिले के बाहर बने बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद इससे पानी छोड़ा गया। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है।
मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से रास्ता बंद करना पड़ा। 12 घंटे से बंद रास्ते को खोलने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। छोटे वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है, लेकिन बड़े वाहन हाईवे पर फंसे हैं। तो मनाली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर बारिश की वजह से मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जमीन खिसक गई और रास्ता बंद हो गया। 12 घंटे से रास्ता बंद है, जिसको खोलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि वाहन यहां पर फंसे हुए हैं, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज के नीचे एक बार फिर डीटीसी की एक बस पूरी तरह पानी में डूब गई। 4 दिन में यह दूसरा मौका है जब कुछ ही घंटों की बारिश के बाद उसी जगह पर डीटीसी की बस दूसरी बार पानी में डूबी दिखी, जिसने प्रशासन के दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। चंद घंटों की बारिश के बाद कनॉट प्लेस के मिंटो रोड ब्रिज के नीचे लोगों से भरी एक डीटीसी बस फंसी दिखी। बस में सवार लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। हालांकि कुछ लोग बारिश के पानी में फंसी इस बस में काफी देर तक बैठे नजर आए। पानी में डूबी बस को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। देखिए, मिंटो रोड पर एक बार फिर से दूसरी बारिश में दिल्ली के मिंटो रोड की हालत फिर वही है जो शुक्रवार को यहां पर हुई थी। एक और बस यहां पर खराब है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। जबकि 4 दिन पहले 13 जुलाई को भी दिल्ली में हुई बारिश के बाद मिंटो रोड पर डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई थी, जबकि कई बसें वहां पानी में फंस गई थी। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लंबा जाम लग गया, जबकि कुछ जगहों से पेड़ टूटने की भी खबरें आईं, जिसकी एक झलक फिरोजशाह कोटला रोड पर दिखी, जहां बारिश की वजह से पेड़ का एक हिस्सा गिर जाने से वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। ये जो पूरा रास्ता है इस गिरे हुए हिस्से की वजह से बंद हो गया है, तो तमाम लोग अब सिंगल रोड को दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद आउटर रिंग रोड पर 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने के बावजूद गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भी बारिश से परेशानी की तस्वीर दिखी, जहां सड़क पर पानी भरने की वजह से एक कार फंस गई। गुजरात से हालात बन गए हैं। अमरेली में नदियां उफान पर हैं और पानी के बहाव की वजह से कई गांव का संपर्क टूट गया है। अमरेली में भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। दरअसल नदियां उफान पर हैं और ऐसे में पानी के बहाव की वजह से कई गांव का संपर्क टूट गया है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। केरल के कोची में भारी बारिश के बाद एक मकान में पानी घुसने से अंदर रखा सामान तैरने लगा। कोची के अलावा केरल के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई मकानों का सामान पानी में तैरने लगा और चारों तरफ पानी से घिरे लोग इसी हालात में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि कई जगह लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। इस बीच कोची की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश की वजह से केरल सरकार ने 8 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक केरल में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। गुजरात के गिरनाथ में सूत्रपाड़ा में लगातार बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी परेशानी हो रही है। सोमनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यहां पर पानी का बहाव काफी तेज है और कई घरों में पानी भी घुस गया है। लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और इस बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी है, क्योंकि पानी जमा हुआ है। लोग इसको अपने स्तर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के अंदर भी पानी घुस गया है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर गड्ढों को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस विरोध कर रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के गेट के सामने गड्ढे खोदकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने फावड़ा और कुदाल से मंत्रालय के गेट पर आने जाने वाले रास्ते पर खुदाई की, जिसके बाद पुलिस ने एमएनएस के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के बरेली में 3 तलाक और हलाला का विरोध करने वाली दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया और फतवे में उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही फतवे में ये भी कहा गया कि निदा खान की मौत होने पर उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह तक नहीं दी जाएगी। उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना,
बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। निदा ने फतवा जारी करने वालों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए करारा जवाब दिया है। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें दो पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करे, फिर अवाम पे लागू करे, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है जो वो करते आए। एनजीओ वेलफेयर के लिए होते हैं, समाज के आप करिए, लेकिन एनजीओ का मतलब आप संविधान से टकराने खड़े हो जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आप उनके पैरों में, मुस्लिम समाज की महिलाओं के पैरों में ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी बेड़ी डालकर आप उनको मजबूर करना चाहते हैं। निदा खान जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी से मैं सहमत हूँ, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के एवज में अगर इस तरह का बर्ताव होता है, मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन जो खबर है, अगर वो खबर, उस खबर में दम है, तो मैं समझता हूँ कि कोई इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है और आधुनिक संदर्भ क्या कहते हैं।